हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, माइक्रोमैक्स 2B। और ये जो फोन है, ये ऑब्वियसली 1B का सक्सेसर है। कुछ टाइम पहले माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था, तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगा अपने फर्स्ट हैंड इंप्रेशंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये तो इसका बॉक्स है, और ऑब्वियसली यार, जैसे माइक्रोमैक्स के फोन के बॉक्स रहते हैं, काफी सिंपल से रहते हैं। बड़ा बड़ा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, 2B इन बाय माइक्रोमैक्स, और ऑब्वियसली ये मेड इन इंडिया फोन है। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है, ये 4+64GB वाला वेरिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये 6+64GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो मिलता है यूनिसॉक का T610, ये नया प्रोसेसर है। और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर स्क्रीन की बात करूँ तो 6.52 इंच का HD स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कैमरा है ड्यूल कैमरा, 13+2 मेगापिक्सल का, 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ये एंड्रॉयड के साथ मिलेगा। तो ये तो इसका बॉक्स है, अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक प्रोटेक्शन प्लान है, यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी, स्क्रीन डैमेज, एक्सीडेंटल कवर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो फोन है वो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ये मेरे पास ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है, इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स का कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और है, और इस बॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसका जो सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक यूज़र गाइड है, तो इसको पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पर कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पर एक जो आपका कवर देखने को मिलता है, TPU ट्रांसपेरेंट केस, तो इसको भी मैं एक बार साइड में रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावर अडैप्टर देखने को मिलता है, और ये यहाँ पर इस पर इनकी ब्रांडिंग है। और ये जो अडैप्टर है ये है 5V 2A यानी 10W का आपको चार्जर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको USB-A to USB-C चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। तो ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट, और अब आ जाते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। तो ये रहा हमारा माइक्रोमैक्स 2B, और यहाँ पर ये प्लास्टिक रैपर में है, तो मैं इसको एक बार इससे निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है, इसके ऊपर भी एक और यहाँ पर प्लास्टिक रैपर है, तो इसको भी हटा देते हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पर स्टिकर है, तो इसको भी हटा देता हूँ। तो ये रहा माइक्रोमैक्स 2B, और जैसा देख सकते हो ये मेरे पास ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो बैक है वो प्लास्टिक का देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ टेक्सचर है जैसा आप सुन सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके पीछे का डिज़ाइन है, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। इन हैंड फील भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। और उसके बाद इस फोन की मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ड्यूल कैमराज देखने को मिलते हैं, 13+2 मेगापिक्सल का। नीचे की तरफ फ्लैश है, यहाँ पर लिखा हुआ AI कैमरा, और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग है, और साथ में ये जो स्पीकर देखने को मिलते हैं। फोन के लेफ्ट साइड में इसका जो वॉल्यूम रॉकर है, पावर बटन है। फोन के राइट साइड में आपको इसका जो सिम ट्रे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 2 माइक्रो सिम कार्ड और 1 SD कार्ड आप लगा सकते हो, 256GB तक का, तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। और नीचे की तरफ यहाँ पर USB-C पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, और यहाँ पर ये 3.5 हेडफोन जैक है। और फ्रंट में इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इसका 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, सेल्फी कैमरा, और ऊपर यहाँ पर ईयरपीस है। और जल्दी से अब ये जो फोन है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, सेटअप कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, फोन मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीटली सेटअप कर दिया है, और सबसे पहली जो चीज़ यार जो आप नोटिस करोगे कि इस फोन में आपको एक भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, और जो UI है वो पूरा यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है। तो देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन सा UI है, जैसे दूसरे माइक्रोमैक्स के फोन्स में आपको देखने को मिलता है, और किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ गूगल वाली एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है। और उसके बाद इसकी स्क्रीन की तरफ आए तो ये जो स्क्रीन है, जैसा आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से है। ये एक HD डिस्प्ले है, 6.52 इंचेस का, यहाँ पर ये फुल HD नहीं है, लेकिन जैसा आप देख सकते हो कलर्स वगैरह काफ़ी सही हैं, जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है काफ़ी बढ़िया है। 400 nits की यहाँ पर ब्राइटनेस है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर हम जाएंगे अबाउट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं इस पर टैप कर देता हूँ, देख सकते हो एंड्रॉयड 11 है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया था, मेरे पास ये 4GB वाला वेरिएंट है, और 64 में से यहाँ पर 54GB अवेलेबल है। और यहाँ पर फोन में आपको अनलॉक के लिए यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। पीछे की तरफ इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर टच करने के बाद छोड़ दिया, और यहाँ पर ये अनलॉक हो गया। एनिमेशन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट है। और मैं इसका फेस अनलॉक है उसको भी यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ। तो ये मेरा फेस है, उसने सेटअप कर लिया है। तो अब एक बार इसका जो फेस अनलॉक है उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको घुमाऊंगा, तो देख सकते हो काफ़ी जल्दी से अनलॉक कर दिया है। वापस इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो फेस अनलॉक भी मैं बोलूंगा कि काफ़ी फास्ट है। उसके बाद इस फोन के जो मेन स्पेसिफिकेशन की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, जैसे बताया था, यहाँ पर यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, नया प्रोसेसर है। और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 8-कोर प्रोसेसर है, तो 2-कोर ARM यहाँ पर जो कॉर्टेक्स A75 है, 1.82 GHz पर क्लॉक्ड है, और 6-कोर जो रहेंगे कॉर्टेक्स A55 1.82 GHz पर क्लॉक्ड रहते हैं।
अगर आप ये जानना चाहते हो। और ये जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और यहाँ पर मैं रैम की बात करूँ तो रैम जैसे बताया था 4GB रैम है, लेकिन ये LPDDR4X रैम है। बैटरी की बात करूँ तो इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो 5000mAh की बैटरी यहाँ पर HD स्क्रीन के साथ काफी अच्छी खासी चल जानी चाहिए। तो वैसे मैं इसको अच्छे से यूज करूंगा तो मैं अपने रिव्यू वीडियो में उसको बताऊंगा कि यहाँ पर जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और इस फोन की अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर जो गीकबेंच स्कोर है यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर वो कुछ इस तरह से है। और अगर यहाँ पर AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो वो यहाँ पर है 188,000 और 10,000 रुपये के अंडर ये फोन अगर आता है जो भी ऑब्वियसली आएगा तो इस प्राइस ब्रैकेट में यहाँ पर जो AnTuTu स्कोर है 188,000 मैं बोलूँगा कि यार काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स के अलावा यहाँ पर अगर इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है जो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ और वो कर सकते हैं इसका गेमिंग टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर डाल ली है PUBG BGMI और BGMI ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हो ही चुका है। तो कैसी इसकी परफॉर्मेंस है PUBG में, यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह कैसी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई PUBG हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में ग्राफिक्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी वो रहेगी HD और हाई। और अगर मैं यहाँ पर स्मूथ में जाता हूँ तो आप यहाँ पर अल्ट्रा तक खेल सकते हो। तो माइक्रोमैक्स 2B में यहाँ पर जो स्मूथ सेटिंग में यहाँ पर आप अल्ट्रा तक खेल सकते हो यानी कि 40 FPS तक। लेकिन इस फोन की जो PUBG की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके लिए मैं यहाँ पर इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपने उसको देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरास की। जैसे बताया था कि यहाँ पर आपको 13+2 MP का कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा उसे ओपन कर लेते हैं। और कैमरा का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ HDR ऑटो ऑन ऑफ का यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। नीचे मैं इसके मोड्स की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर पैनोरामा है, पोर्ट्रेट, प्रो, फोटोज, वीडियोज, स्लो मोशन और मोर में जाते हो तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं, इंटरवल, टाइम लैप्स, फिल्टर, QR कोड और नाइट मोड। और वीडियो में यहाँ पर जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपकी जो रहेगी वो रहेगी फुल HD, तो यहाँ पर 1080p भी आप वीडियोस वगैरह खींच सकते हो। तो अभी ये जो कैमरा है इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक सैम्पल शॉट खींच लेता हूँ। और ये जो फोटो है ये कुछ इस तरह से भी आई है। और यहाँ पर मैं अभी स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में हूँ तो यहाँ पर भी कैमरा ठीक ठाक लग रहा है। और उसके अलावा जैसे बताया था कि यहाँ पर ऊपर आपको एक 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और सेल्फी इमेजेस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आई हुई है। डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर 5 MP का ही कैमरा है, तो ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन दूसरी जो इमेज है उसको भी देख लेते हैं, और ये दूसरी इमेज है और ठीक ठाक सा यहाँ पर इसका सेल्फी कैमरा है। तो दोस्तों ये तो है माइक्रोमैक्स 2B और वीडियो बनाने के टाइम तक मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली ये 10,000 के नीचे ही रहने वाला है। अगर ये 8,000 के आसपास रहता है, 8,999 रुपये 8,000 के बीच में रहता है, तो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है यूनिसॉक T610, उसकी परफॉर्मेंस मुझे यार काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये रिव्यू वीडियो नहीं है तो इसका जो रिव्यू वीडियो होगा मैं अच्छे से और बना दूंगा, लेकिन मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस प्रोसेसर के हिसाब से या फिर इसकी जो फोन की परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को लगता है काफ़ी सही है। यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर काफ़ी अच्छे खासे आए हैं और इवन PUBG में भी अच्छी खासी सेटिंग मिल जाती है, तो गेमिंग वगैरह के हिसाब से भी आप इसको 10,000 के अंडर में कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसका जो PUBG टेस्ट है या फिर रिव्यू है मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, तो उसको देखना होगा, सब्सक्राइब कर लेना। और इसका जो कैमरा है इसको भी मैं थोड़ा और अच्छे से टेस्ट करूंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो उसको अगर चेक करना हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो माइक्रोमैक्स का फोन रहता है उसमें आपको बिल्कुल ब्लॉटवेयर यहाँ पर एकदम स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील मिलती है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है। और जैसे मैं बोला मुझे जो परफॉर्मेंस है अभी तो काफ़ी स्नैपी सी लग रही है। तो ओवरऑल ये तो है माइक्रोमैक्स 2B और ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी, इसका जो रिव्यू वीडियो है मैं जल्दी डाल दूंगा। तो आपको कैसा लगा ये फोन मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।